भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने ये भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये नेहरू जी के शब्द हैं। राजीव गांधी ने नेता विपक्ष के रूप में भी, ऑपोजिशन लीडर के नाते पार्लियामेंट में उनका भाषण है, उन्होंने आरक्षण का पुरजोश विरोध किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने यहां तक कह दिया था, आरक्षण पाने वालों को बुद्धू तक कह दिया था ये राजीव जी ने। एससी एसटी ओबीसी समाज का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। राजीव जी ने भी अपनी सरकार में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया। साथियों, आज मैं हरियाणा की धरती से एक और विषय उठाना चाहता हूं। भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। कांग्रेस का परिवार हमेशा से ही बाबा साहब आंबेडकर जी को नफरत करता था, आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है। इस परिवार ने हमेशा दलितों, ओबीसी, आदिवासियों को अपमानित किया है। आप याद रखिए, नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये नेहरू जी के शब्द हैं। नेहरू जी ने ओबीसी आरक्षण के लिए काका साहब कालेकर का जो कमीशन गठित हुआ था उसकी रिपोर्ट आई थी, ओबीसी समाज का भाग्य बदलने वाली रिपोर्ट थी, लेकिन पंडित नेहरू ने उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी आई तो उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाकर रखी। जब देश ने उनको सजा दी, जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी भाई के नेतृत्व में, तब मंडल आयोग बना। लेकिन फिर कांग्रेस आ गई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद राजीव जी ने भी अपनी सरकार में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब
मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने भाजपा ने समर्थन किया था उस समय, और तब जाकर के ओबीसी समाज को आरक्षण मिला जब भाजपा का समर्थन था। और आप ये भी याद रखिए, राजीव गांधी ने नेता विपक्ष के रूप में भी ऑपोजिशन लीडर के नाते पार्लियामेंट में उनका भाषण है, उन्होंने आरक्षण का पुरजोश विरोध किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में, ये शब्द उनके हैं मैं बताता हूं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने यहां तक कह दिया था, आरक्षण पाने वालों को बुद्धू तक कह दिया था ये राजीव जी ने। एससी एसटी ओबीसी समाज का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है, लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले, जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब अंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी है और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है।